मॉर्निंग। तो कितना टेस्टी नाश्ता था ना, परफेक्ट है अभी के मौसम के लिए। वैसे मेरे व्लॉग में आजकल आप ये रोज सुन रहे हैं ना कि मौसम बड़ा अच्छा है तो ये खाने में अच्छा लग रहा है, वो खाने में अच्छा लग रहा है, पर ऐसा हो ही रहा है क्योंकि बहुत दिनों से इतना खराब मौसम था ना कि इस वाले वेदर की कदर हो गई है हर बैंगलोरियन को कि हाँ भाई ऐसे ही क्लाउडी रहो, थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती रहे अच्छा लगता है। तो ये जो आलू का पराठा है ना, ये मैं बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि हम लोग उतना आलू खाना प्रेफर करते नहीं है। एनीवेज घर है खाली क्योंकि अंगद चला गया ऑफिस, नाश्ता किया उसने और फटाफट ऑफिस निकल गया, कुछ तो मीटिंग वगैरह है शाम को आएगा। आज मैं ऑफिस आया हुआ हूँ, आज मेरे को एक मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन है जो फिजिकली अटेंड किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं ऑफिस आया हुआ हूँ। तो मैं सोचा कि क्योंकि मैं आज ऑफिस आया हुआ हूँ तो आपको थोड़ा बहुत ऑफिस का अपडेट्स दे दूँ कि मैं क्या सब करता हूँ यहाँ पे और कैसा रहेगा मेरा ट्रेनिंग सेशन वगैरह। ऑब्वियसली मैं ट्रेनिंग तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट कैसा रहेगा वो एटलीस्ट आपको एक अपडेट मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक व्लॉग का एक छोटा सा क्लिप आपको शेयर कर दूं। आज का जो लंच बनना है सिर्फ मेरे लिए बनना है, तो मैं सोच रही हूँ एकदम सिंपल सा बीटरूट की सब्जी बनवा लूं, बीटरूट एंड पालक को मिक्स करके, जो मैं बहुत बनाया करती थी जब मैं कुक करती थी। तो मैं आज इसको सिखा दूंगी कुक को कि वो कैसे बनाते हैं, तो सिंपल वो वाला टेस्टी एंड हेल्दी लंच कर लेंगे। तो आज मेरी कुक का भी आराम हो गया क्योंकि रोटी नहीं बनेगी, सिर्फ राइस और सब्जी बनेगी और फटाफट उसका भी काम हो जाएगा। ये वाले ना सारे आम को मैंने सुबह ही पानी में डाल दिया था, इसमें से एक मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा खराब सा हो गया, ये वाला है ना, ज्यादा पक गया है, खराब तो नहीं हुआ होगा, तो ज्यादा पक गया है, तो ये वाला रस में चल जाएगा। बाकी ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कलर देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस का जो पार्किंग लॉट है उसको क्रिकेट मैदान में कन्वर्ट कर गया है। यहाँ पे एक आईपीएल, छोटी सी एक आईपीएल, हमारी कंपनी की आईपीएल एक टीम बना के वो लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, तो फन भी चलता है, काम भी चलता है, सब कुछ एक साथ चलते रहता है यहाँ पे। चलिए, पालक साग और बीटरूट की सब्जी तो अच्छी लग रही है। देखा मैंने कहा था ना लंच फटाफट बन जाएगा, आधा घंटा लगा है। ये वाला रूम जो है वो आज के लिए हमारा ट्रेनिंग रूम होने वाला है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज रहेंगे और दूर वहाँ पे प्रेजेंटेशन और जो भी स्पीकर होगा वो वहाँ पे होगा। तो आज के लिए पूरा दिन यहाँ पे। अगर आपने मेरा लास्ट बेडशीट हॉल वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये वाला बेडशीट मैंने लिया है इस वाले रूम के लिए, क्योंकि जो इसका कलर है ना ऐसा ब्लू एंड सब जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना वो मेरे इस रूम के थीम पे बहुत अच्छे जाते हैं। चलिए, मेरा जो वीडियो शूटिंग था उसमें मुझे पूरा दोपहर का टाइम लग गया, तो इन दोनों की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई बैठ के सिट डाउन वीडियो करती हूँ ना तो फिर ये वाला रिंग लाइट ऑन करती हूँ। वीडियो शूट करने में लग गया मुझे 1.5 से 2.5 घंटा। उसके बाद मैंने सोचा कि लगे हाथ तो इसको एडिट भी कर लेते हैं ताकि बाद में ये लाइफ में कर सकूं जब मुझे करना हो। तो वो करते करते मेरा पूरा दोपहर बीत गया और फिर बेल बजी तो मैं देखती हूँ कि अंगद आ गया। बीच में उसने मुझे बोला था कि मैं निकल रहा हूँ, मेरा उस पर भी ध्यान नहीं था कि चलो काम पहले खत्म कर लेते हैं। तो अंगद भी घर आ चुका है, तो अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। आज मन कर रहा है चाय पिया जाए। चाय बनाने के लिए आई तो देखती हूँ कि मिल्क तो आज सुबह से मैंने उबाला ही नहीं है। इसके अंदर ऐसी चीज है ना सारी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने डार्क फैंटेसी के जितने भी आते हैं ना बिस्किट वगैरह पैकेट खाली करके, एक बड़ा पैकेट मैंने मंगवाया था तो मैंने इसमें डाल लिया। अगर मुझे कभी भी स्वीट की क्रेविंग होती है तो फिर इसमें से खाया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी तो मन करता है आफ्टर लंच ना कि थोड़ा कुछ स्वीट खाया जाए।
जो मेरी तरह ऐसे चाय में बिस्किट डिप करके खाना पसंद करता है, अभी मैंने अभी डिप किया और मेरा गिर गया। अंगद तो अपना ब्रेड खा रहा है, मैं बिस्किट खा रही हूँ। ये है जीरा बिस्किट, क्रैक जैक वाला है ना, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये वही है, अगर आप एक सेकंड भी नहीं, उससे थोड़ा सा भी देर रखोगे ना, ये नीचे गिर जाएगा। तो मेरा गिर चुका है। The next day. Good morning. आज है सैटरडे, वीकेंड की शुरुआत है, पर इस वीकेंड हमारा कहीं भी जाने का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि बैंगलोर में रैली है, पॉलिटिशियंस की रैली, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम वगैरह की संभावना थोड़ा ज्यादा है, तो कौन ही जाए। तो इसलिए कहीं अंगद ने बोला कि जाने की जरूरत नहीं है, बेकार का ट्रैफिक वैफिक में फंस जाओगे तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए इस बार घर पे ही रहना है। तो वो थोड़ा सा मुझे सोच के लग रहा है, अरे एक वीकेंड वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा यही मन है कि पूरा सेकेंड ट्राइमेस्टर जब तक मैं एक्टिव हूं, एनर्जेटिक हूं, कहीं ना कहीं तो वीकेंड को निकले अच्छा लगता है। खैर छोड़िए, कोई नहीं, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, नया नया बेडशीट कुछ भी बिछाइए नया, थोड़ा सा चेंज आता है ना रूम में, उससे भी इतना अच्छा लगता है, इतना ब्राइटन अप लगता है ना, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये वाला भी बेडशीट मैंने आपको हॉल वीडियो में दिखाया अभी अमेजोन का, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेडशीट है। इसमें जो ये फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर आप देख रहे हो ना, ये जितना ब्राइट और सुंदर भी कैमरा पे लग रहा है ना, एक्चुअली भी इतना ही सुंदर लगता है। ये देखिए मशीन अभी चल रही है और मुझे अभी बीच साइकिल में मुझे डालना है कपड़ा, तो बस यहाँ प्रेस किया एक बार, मशीन हो गई स्टॉप। अभी दूसरी बार जब प्रेस करूंगी तो ये खुल गया और अब इसमें हम लोग ये बीच में डाल सकते हैं। तो यही मेन रीजन था ये वाला वॉशिंग मशीन ऑप्ट करने का। अब ये यहाँ पे कर दिया, अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे, साइकिल जो है अपनी स्टार्ट हो गई है। वाओ, अभी बहुत ही क्यूट चीज आई अमेजोन से, जिससे मेरे चेहरे पे खुशी आ गई, एकदम स्माइल आ गया। तो क्या आया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक्चुअली फोटोशूट करते हैं ना हम लोग हर मंथ, मैंने बताया है प्रेगनेंसी प्रोग्रेशन के लिए मैं तो करती ही हूँ। तो इस बार सोच रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा और भी पिक्चर्स क्लिक करूं, तो उसके लिए ना मैंने ये मंगवाया है, छोटू छोटू सा जो बेबी वाला आता है ना, सॉक्स कम शूज जो भी बोल लीजिए, पर ये वुलन है, इतना प्यारा कलर है ना, तो इससे फोटो शूट के लिए है, ये बेबी के लिए नहीं है, ये मेरे फोटो शूट के लिए एक्चुअली एज अ प्रॉप मैं यूज करने वाली हूँ। तो इससे मैं और अंगद कुछ ना कुछ घर में ट्राई करेंगे। अभी देखिए प्रोफेशनल फोटो शूट तो होगा तो वो तो करवाएंगे, 8th मंथ के आसपास में मेरा प्लान है, तो उसको तो भी टाइम है। हम लोग हर मंथ कुछ ना कुछ ऐसे ही पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं मेमोरी के लिए, तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अलग टाइप के पिक्चर्स भी क्लिक किया जाए जिसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। तो कितना प्यारा छोटू सा लग रहा है ना, और कितना सुंदर से बुना गया है, हैंडमेड टाइप लग रहा है। और एक्चुअली ऐसे हैंडमेड जो लोगों को बनाने आता है वो तो आराम से बनाते हैं, उनमें से थी एक मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी फेमस थी पूरे मोहल्ले में वुलन चीजें बनाने के लिए। मतलब विंटर्स आने से पहले जितने भी मॉम्स होते थे ना आसपास के, जिनके छोटे बच्चे होते थे और जिनको खुद से बनाना नहीं आता था या टाइम नहीं मिलता था, वो मेरी मम्मी को वुल ला के देते थे कि आंटी आप बना देना। मेरी मम्मी का क्योंकि ये शौक था तो मोहल्ले के सभी बच्चों के लिए, लिटरली सभी बच्चों के लिए मम्मी ये विंटर्स में बनाती थी। मेरी मेमोरी है मम्मी को लेकर के कि जब भी मैं स्कूल से आती थी 3 बजे मेरी मम्मी मुझे छत पे मिलेगी धूप सेकती हुई, और उनके हाथ में रहेगा कांटा और रहेगा वुल, और एक प्लास्टिक में वुल रहेगा, वहां से वो उसको कैरी करती रहेंगी, वो बुनती रहेंगी बहुत फास्ट, एकदम फास्ट बिना देखे बुनती रहेंगी। फिर जो क्रोशिया होता है उससे भी बुनती रहेंगी, तो इस टाइप के बहुत सारे वो बनाती थी, पूरा सेट टोपी वोपी। तो काश मम्मी होती तो डेफिनेटली मेरी बेबी के लिए तो बनाती ही बनाती,
पर चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि आजकल इस तरह की चीजें मिलने लगी है ऑनलाइन, तो ये तो बेबी के लिए नहीं है, पर फ्यूचर में अगर मुझे लेना होगा तो मैं ऐसा हैंडमेड वाला कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लूंगी। मुझे भी एक्चुअली थोड़ा बहुत सिखाया है मम्मी ने, ऐसा नहीं है, मम्मी के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सब मैंने किया है, पर उतनी प्रो नहीं हूं और बिल्कुल भी बाद में प्रैक्टिस किया नहीं, तो चांस नहीं है कि मैं वो करूं। पर कितना क्यूट है ना, कितना सुंदर लग रहा है, छोटा छोटा सा। अंगद बड़ा खुश होगा देखिए, एक्चुअली अंगद ने पसंद किया है, मैंने 3-4 ऑप्शंस उसको दिए थे, उसमें से इसको ये लगा कि ब्राइट बड़ा होगा। हाँ आ रही हूँ। आज का मौसम देख लीजिए, अभी बज रहे हैं 1:15 पर आज एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा है। आज मतलब आज भी मैं बोलूंगी क्योंकि इधर से ऐसा ही मौसम है ना, मन कर रहा है ना ऐसा मौसम में कहीं निकले, पर नहीं जाएंगे ज्यादा, देखते हैं अगर पास में कहीं जा सकते तो जाएंगे। एक तो मेरा मन था नर्सरी जाने का, ये आप देख रहे हो एक प्लांट एकदम फर्स्ट क्लास हेल्दी है और यहाँ पे भी सेम प्लांट था, पर पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया तो एकदम खराब हो गया है, तो सोच रही हूँ कि जाकर नर्सरी से ले आऊं और इसको रिप्लेस कर। आज खाने में बनाया है अंगद का फेवरेट, मुझे भी अच्छा लगता है, राजमा चावल। तो राजमा चावल और ये जो प्याज है ना, इसका जो बनाते हैं ना वो नमक नींबू और लाल मिर्च डाल के, वो बनाने के लिए जा रही हूँ। अंगद ले रहा है शाल और मेरी कुक के जो हस्बैंड है ना वो जा रहे थे गाँव आज, तो उनको ट्रेन पे जाना था तो उसके लिए भी कुक को खाना बनाना था, तो उसने बोला कि दीदी निकलना है मुझे जल्दी, पर लकीली मैंने आज राजमा ही सोच के रखा था और उसको तो मैंने सोक करके रख दिया था ओवरनाइट, तो राजमा बनाने बहुत टाइम नहीं लगता और रोटी बनती नहीं इसके साथ, राइस बनता है, तो राजमा और राइस सिर्फ दो चीज बनानी थी, तो चलो फटाफट उसका काम हो गया। लेकिन जितना फटाफट मैंने सोचा कि बेचारी का काम हो जाए वो चली जाए, उतना ही प्रॉब्लम बढ़ गई, गैस खत्म हो गया सिलेंडर बीच में ही, तो बीच में अंगद ने सिलेंडर चेंज किया तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया और थैंकफुली आज सिलेंडर खत्म हुआ है। सोचिए अगर कल खत्म हुआ होता तो कल अंगद ऑफिस गया हुआ था, तो कुक बोल रही थी कि उसको नहीं आता है, वो बोल रही मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड लगाते हैं दीदी, ये कैसे लगाते हैं, मेरा तो लीक होने लग जाता है, तो उसको नहीं आता और मैं अभी करूंगी नहीं, मुझे आता है पहले करती थी पर अभी तो ऑफकोर्स वेट उठाऊंगी नहीं, वो सब करूंगी नहीं, वो जोर से प्रेशर भी करूंगी नहीं, तो कल अगर ये गैस खत्म हुआ होता सिलेंडर तो पता नहीं हम लोग दोनों क्या करते। अंगद तो ऑफिस पे था, फिर सिक्योरिटी को मुझे बुलाना पड़ता कि भैया आओ कर दो। चलिए आज अच्छा हुआ खत्म हुआ। और कल अंगद ने क्या मस्त टेस्टी खाना खाया, मैंने तो घर में देखा आपने क्या खाया कल, सिंपल सा, लेकिन अंगद ने कल खाया, मुझे फोटो भेजा था, वो देख के जो मेरा मन कर गया ना खाने का। अभी इतने टाइम से तो मुझे चिकन खाने का वैसे भी मन नहीं कर रहा था, अभी मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, पर वो कल वो ग्रिल्ड चिकन का जब उसने फोटो भेजा, ओहो कल जो मेरा मन कर गया ना खाने का क्या बताऊं। लेकिन चलिए ग्रिल चिकन तो नहीं खा रही हूँ मैं, इधर से देखती हूँ, ऐसा सोच रही हूँ कि कल ना घर में चिकन बिरयानी बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए ना बिरयानी भी नहीं खाए हुए। राजमा तो बहुत ही टेस्टी बनाती है, वो देखने से भी लग रहा है, और ये ड्यूटी मेरी होती है ना कि सीटी बंद कुकर को बंद किया जाए, वो तो चली जाती है बना करके, तो वो भी देखा मैंने कि हाँ अच्छे खासा सीज गया है, ओवरनाइट सोक करिए तो सीज ही जाता है। समर में खाना कंप्लीट कैसे हो सकता है आम के बिना, तो ये देख लीजिए कौन कौन है जिसने आम खाना स्टार्ट कर दिया है। आ हा मस्त पका हुआ है, नहीं ये वाला जो लॉट आया ना जैसा हमने इमेजिन किया था बिल्कुल वैसा निकला, नहीं बहुत ही टेस्टी आया है, पिछला वाला उतना टेस्टी नहीं था, वो फर्स्ट लॉट था सीजन का तो ऑब्वियसली उतना नहीं होगा, ये वाला अमेजिंग आ गया। बारिश स्टार्ट हो गई है, लग ही रहा था कि हो जाएगी थोड़ी देर में, अभी जस्ट शुरू हुई है, मस्त क्यूट है ना, बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत अच्छा लगा, जैसा पिक्चर में देखा जैसा देखा था पिक्चर में बिल्कुल वैसा है, तुम्हारी तो दो उंगली आ रही है बस इसके अंदर। और पता है न्यूबॉर्न के लिए ये भी मुझे बड़ा लग रहा है, अरे उसमें बांधने को भी दिया है अलग से, तो मैंने निकाल दिया फोटो शूट के लिए है ना, तो क्या करेंगे, पर मुझे लग रहा है ना ये न्यूबॉर्न के लिए भी एक्चुअली देखो तो बड़ा है नहीं उससे तो थोड़ा बड़ा है, पर कितना क्यूट है, बड़ा अच्छा लग रहा है ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्रीटी है। खाना वाना खा लिया और अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो परफेक्ट है कि आप सो जाए, मतलब नींद आए तो अभी सो जाए, अंगद सो जाएगा अभी, यहाँ पे हम लोग टीवी लगा रहे हैं सिटाडेल करके जो प्रियंका चोपड़ा का सीरीज आया ना वो लगा रहे हैं, पर देखिएगा एक एपिसोड देखते देखते मैं तो सोंगी सोंगी अंगद भी सो जाएगा, क्योंकि ये आवाज जब आती है बारिश की ना तो और अच्छी नींद आती है।
तो मौसम देखते ही देखिए 3 बजे ही हम लोग ने डिसाइड किया कि बाहर निकला जाए, तो ये अंगद का OOTD है। देखते ही जोश आ गया, चलो अब चाय पिया जाए। दोपहर के 3 बजे सच में? हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे माहौल तो देखो बाहर। सवा 3 बजे हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ हमें आना था। एक नया सा कैफे खुला है, मड कैफे नाम है ना? मड कैफे। हाँ तो मड कप्स या मड कैफे? आई गेस हाँ मड कप्स जैसा। एक दिन हमने देखा था तो लगा चलो आते हैं, यहाँ पे पास में ही है घर के। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हम लोगों को। देखिए वो बंदा उतर रहा है ना, तो वो सीढ़ी ना सेफ नहीं लग रही और नीचे बैठने की जगह नहीं है। वो सीढ़ी बहुत डेंजरस है स्पेशली बारिश में। गाड़ी में पीने का कोई पॉइंट नहीं है, तब तो हम घर ही में पी लेते अपना बालकनी में। तो क्या करें? नहीं बाजू वाला जो है वही चले, हमारा जो रेगुलर जॉइंट है वहीं पे पी लेंगे। यहाँ भी हो नहीं पाएगा बैठना क्योंकि जो बाहर का सिटिंग एरिया था ना उसमें तो ऑफकोर्स पानी लग गया है तो पूरा भींग गया है। और अंदर जो थोड़े बहुत टेबल्स है ना वहाँ सब लोग लंच कर रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स 3:30 बज रहे हैं तो बहुत लोग लंच कर रहे हैं, तो बैठने की जगह नहीं है और बाहर खड़े रह नहीं सकते, भींग जाएंगे। तो फिर अंगद ने कहा कि यहाँ भी मजा नहीं आएगा। जो एक माहौल एक मौसम एक मूड है बैठ के आराम से चाय पिए, तो थोड़ा आगे एक दो कैफे और है, थोड़ा ही आगे वहाँ चले जाते हैं। तो आज जो है ये मुहूर्त गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, कहीं मिल नहीं रहा हमको। लेकिन हद हो गया, अभी जिस कैफे गए थे ना अगेन बाहर बैठने की जगह नहीं थी, सारा टेबल ऑक्यूपाइड था। और अंदर जो हम लोग गए थोड़ा सा आपको मैंने दिखाया तो बहुत ही डार्क डार्क था, स्मेल आ रहा था तो मैं नहीं बैठ पाई। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ HSR में है तो यहाँ पे चाय पॉइंट है, चाय पॉइंट ही चले जाते हैं। तो ये देखिए अभी चौथी जगह हम जाने वाले हैं, 3 जगह तो हमें जगह नहीं मिली अच्छे से बैठने की। बारिश हो रही है ना अभी इस टाइम पे, सब लोग बाहर बैठ जाते हैं, फिर जगह नहीं है और खड़े तो रह के पीने का कुछ फायदा है नहीं। तो हम वहीं जा रहे हैं, क्या करेंगे। चाय पॉइंट में भी नीचे बैठ के पीना पड़ेगा, फिर ऊपर उसका सीढ़ी तो बहुत ही है नहीं। तो ये सब तो पहले ध्यान में नहीं था ना, पहले तो हम लोग कहीं भी जाके खाते थे पीते थे। अब सोचना पड़ता है सीढ़ी है तो कैसा है, सेफ है नहीं है, कैसी जगह है, तो थोड़ा चूजी होना पड़ता है। लोग चाय पॉइंट गए, चाय पॉइंट में भी नीचे फुल था और ऊपर सीढ़ी थी, तो अंगद ने बोला कि काम करते हैं वहां नहीं जाते हैं। तो हम लोग आगे चाय और उसके ऑपोजिट में है, तो फाइनली ये 5th जाकर के कैफे हमें मिला है जहाँ पे नीचे बैठ के आराम से हम लोग चाय और सोच रहे हैं कुछ पकौड़ा वकौड़ा खाते हैं बारिश वाला। तो ये 5वां कैफे था, तो आज जो है ना काफी कब से हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढते अब जाकर के मिला है। कितने सारे न्यूज़पेपर लेके बैठा है अंगद, देखिए इधर भी है इधर भी है। घर पे न्यूज़पेपर नहीं है तो जहाँ दिखता है वहाँ पे पढ़ने लगता है। इतना भटके इतनी सारी जगह देखे, पर फाइनली जहाँ पे पिया चाय ना चाय तो ओके था एज यूजुअल। पर वहाँ पे हमने वो जो मंगाया था ना भज्जी वाला, वो एक उनके पास था सॉर्टेड जिसमें की पनीर भज्जी थी, आनियन भज्जी थी और एक और कौन सी थी, मिर्ची भज्जी थी। तो वो एक्चुअली बहुत टेस्टी था, इस मौसम पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। अंगद गया है लाने के लिए चिकन एंड मोर से, तो सोच रही हूँ कि चिकन बना लेती हूँ रात को, तो आज भी चल जाएगा। और कल संडे है, कल कुक नहीं आएगी तो कल लंच में भी चल जाएगा, तो एक बार में दोनों का काम हो जाएगा। वैसे ये सेकंड ट्राइमेस्टर तक तो एनर्जी भी ज्यादा रहती है, आप बाहर निकल सकते हो, डॉक्टर्स भी अलाउ करते हैं कि अगर आपका लो लाइंग नहीं है प्लासेंटा या और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में तो घूमना फिरना सब कुछ अलाउड रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में पता नहीं कितना घूम पाऊंगी, कैसा रहेगा नहीं रहेगा वो तो आगे पता चलेगा, पर जब तक अभी फिट हूँ या फिर अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ एनर्जी है तब तक तो वीकेंड को एटलीस्ट बाहर जाए ना तो अच्छा है। उसके बाद तो फिर कुछ महीने वैसे भी मुश्किल होगा बाहर निकल पाना, मतलब बेबी आने के बाद की बात है। तो इसीलिए अंगद भी सोचता है कि हाँ निकल जाते हैं टाइम स्पेंड करते हैं, और मैं भी सोचती हूँ कि घर बैठ के क्या करेंगे बाहर निकल जाते हैं। याद है मैंने कहा था कि प्लांट्स लेना है, तो प्लांट में जो हमारे पास था ना स्पाइडर प्लांट वही सोच रहे थे कि वही लेते हैं तो दोनों हो जाएगा। लेकिन ना अभी मेरा मन कर गया कि मैं एरिका पाम्स लेती हूँ, तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा सा है तो वो लेने का सोच रहे हैं।